बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हुआ था यहाँ पर वीकेंड चैंपियनशिप सीजन 5 का एससीसी और विस्टर्न यूनाइटेड के बीच। दोनों बहुत ही बेहतरीन टीम है, बहुत मजबूत टीम है। टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था एससीसी के कप्तान निखिल ने, और क्या बेहतरीन पारी खेली थी उनके ओपनर तारिक अजीज ने। 65 रन मात्र 35 बॉलों में तारिक अजीज। अहमद बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं एससीसी की तरफ से, हर मैच में लगभग स्कोर करते हैं। उस दिन भी अपने कैप्टन को निराश नहीं किया था, 43 रन मात्र 39 बॉलों में अहमद। मुकुल रावत बेहतरीन विकेट कीपिंग के साथ साथ उन्होंने 55 रन की एक महत्वपूर्ण पारी भी खेली थी मात्र 44 बॉल में मुकुल रावत। एंड 28 नॉट आउट खेले थे रमेश ने 20 बॉलों के अंदर। विस्टॉन यूनाइटेड ने लगभग 8 बॉलों का इस्तेमाल किया था जिनमें से मात्र 4 को सफलता प्राप्त हुई थी। 3 ओवर 31 रन 1 विकेट सुमित, 4 ओवर 29 रन 2 विकेट रोहित यादव, 3 ओवर 30 रन 1 विकेट बब्बल मेहरा, और 1 विकेट मिला था 3 ओवर में 18 रन देकर ओशो खुराना को। तो शहीद पथिक पर यूं तो बहुत सारी सीरीज हुई है, शहीद पथिक पर लगातार लीग्स होती रहती है। दो बहुत मजबूत टीमें थी एससीसी और विस्टर्न यूनाइटेड, एक कड़े मुकाबले की उम्मीद थी। वन साइडेड बीट किया था विस्टर्न यूनाइटेड को पथिक के, आज तक के लोएस्ट स्कोर पे ऑल आउट किया था विस्टर्न यूनाइटेड को, मात्र 64 रनों में समेट दिया था एससीसी ने। 64 रनों के अंदर आज तक का लोएस्ट स्कोर है पथिक के ऊपर किसी भी साइड का, उसमें निपटा दिया था विस्टर्न यूनाइटेड को। जब इतना कम स्कोर हो तो दोहरा अंक छूना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मात्र 2 बल्लेबाज ऐसा कर पाए थे, बब्बल मेहरा 17 रन बनाए 23 बॉलों में, और मेरा काम आसान किया था, एक ही और बॉल, एक ही और बैट्समैन ने सिर्फ 2 रन छू करके, वो थे कार्तिक नाबाद पारी 13 रन 10 बॉल के अंदर। इतनी सदी हुई गेंदबाजी हुई थी कि मात्र 5 ही बॉलर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, और मात्र 13 ओवर में 64 रनों पे ऑल आउट कर दिया था विस्टर्न यूनाइटेड को। 4 ओवर 31 रन 2 विकेट राहुल सिंह। द बेस्ट इकोनॉमी ऑफ पथिक स्टेडियम टिल येट, आज तक की बेस्ट इकोनॉमी, और बेहतरीन स्पेल डाला था कुशाग्र मिकलानी ने। 4 ओवर 8 रन 2 विकेट, 4 ओवर 8 रन 2 विकेट कुशाग्र मिकलानी। अजीत केंतुरा 2 ओवर 8 रन 3 विकेट, एक तो मिला था, और एक एक विकेट मिला था अभिषेक अहलावत और शिखर दत्ता को, जिन्होंने अभिषेक दिए 13 रन और शिखर मात्र दिए 2 रन। नाउ गाइस दिस ब्रिंग्स अस टू द 4 अवार्ड्स दैट वी हैव फॉर मैच, स्टार्टिंग विद the most important aspect of any game, chahe wo T20 ho ya T25, fielding does play an important role and a very pivotal one as well. When it comes to fielding, an athlete who took fantastic couple of catches in the deep aur unke do mahatvapurna batsman ko out bhi kiya tha, Rahul Singh for his outstanding fielding. Rahul, can you please hand over the trophy, Rahul? Rahul Singh, the fielder of the match. क्योंकि यस मैडम इस सीरीज के अंदर स्पॉन्सरशिप दे रही है, यस मैडम की तरफ से मसाज कूपन मेल टू मेल स्पॉन्सर किए जा रहे हैं, जो कि दिए जा रहे हैं दमदार परफॉर्मर को और मैन ऑफ द मैच को। दमदार परफॉर्मर वो है जो कि लूजिंग साइड में जिसकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट मैन ऑफ द मैच के इक्विवेलेंट होती है। विस्टर्न यूनाइटेड की तरफ से हालांकि उस दिन कुछ बहुत ज्यादा रन तो नहीं पड़े, लेकिन विकेट जरूर लेने में कामयाब हुए थे। एक बॉलर जिसने 29 रन देकर के 2 विकेट लिए थे, रोहित यादव फॉर हिज स्पेल ऑफ 4 ओवर 29 रन 2 विकेट, वो दमदार परफॉर्मर ऑफ द मैच। रोहित ट्रॉफी वो भी क्या नहीं है, हमारे बीच तो है, उनको बात कर दी जाएगी। नाउ व्हेन इट कम्स टू द बॉलर ऑफ द मैच, आई थिंक उस दिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की हुई थी। कभी कभी मिलने ही ऐसा होता है कि किसी एक मैच में इतने जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन देखने को मिले, मात्र 64 पे ऑल आउट कर दिया था द माइटी विस्टर्न यूनाइटेड को फॉर हिज आउटस्टैंडिंग स्पेल of 3 wickets for just 8 runs in 2 overs. Ajit Kendra is the bowler of the match. Ajit is the one, okay, you can please hand over the trophy, Ajit. The bowler of the match, Ajit. The bowler of the match. Okay. And now coming to the big one, the man of the match, I think this player, I know him personally as well, काफी हम लोग साथ में खेलते भी हैं, दूसरे के अगेंस्ट भी खेलते हैं। मैंने इस बैट्समैन को बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि स्कोर करते हो ना देखा हो, उस दिन भी इसको 20 रन के टोटल में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और इज आउटस्टैंडिंग नॉक ऑफ 65 रन ऑफ 35 डिलीवरी। तारिक अजीज इज द मैन ऑफ द मैच। तारिक अजीज लगे आप तो आज की भी पार्टी
ये बस खत्म, ये वाला फ्रेम